हेलो एंड वेलकम। फिर से एक बार एक हॉस्पिटल का इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और एक नया हॉस्पिटल आपके पास मैं लेके आया हूँ। इस हॉस्पिटल का जो नाम है वो है अमृता हॉस्पिटल। ये कोची पे है। यहाँ पर कैसे पहुँचना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट होता है, क्या फैसिलिटी है, सारे कुछ लेके आज का ये वीडियो है। इसका एड्रेस, वेबसाइट, फ़ोन नंबर सब कुछ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता रहता है। तो चलिए आज चलते हैं वीडियो पे। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, इसको अमृता हॉस्पिटल भी बोला जाता है। ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये कोची पे है। ये एक मेडिकल स्कूल भी है। मतलब अगर आपको यहाँ पर जाना पड़े तो कोची पे जाना पड़ेगा। कैसे जाना होगा, क्या करना होगा, वो वीडियो को देखते रहिए और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा ये सारे डिटेल्स। तो ये जो हॉस्पिटल है ये कोची पे है। 1998 में माता अमृतानंदमयी के पास से इंटरेस्टेड होके ये हॉस्पिटल खड़ा किया गया था। और 1998 में तब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ ये हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था। इस हॉस्पिटल में 3000 से भी ज़्यादा आउटडोर पे पेशेंट दिखाया जाते और यहाँ पर 1450 बेड है ये हॉस्पिटल पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और 1450 बेड में से यहाँ पर इंटेंसिव केयर के लिए जो बेड है वो है 210 और टोटल जो ऑपरेशन थिएटर है वो है 25। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इस हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है वो माइक्रो जो मेडिसिन है उसके ऊपर भी यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट होता है। और न्यूरोसर्जरी में भी इसका रोबोटिक्स के इस्तेमाल यहाँ पर होता है। और बाकी सारे जो यहाँ पर जो ऑपरेशन होता है, मेजर ऑपरेशन यहाँ पर रोबोटिक्स के थ्रू होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और कितना अच्छा ये हॉस्पिटल हो सकता है। इस हॉस्पिटल में सारे देश से बहुत सारे जगह से यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है पेशेंट। और सिर्फ देश से नहीं, यहाँ पर जाने से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो है वो बाहर से है, मतलब कि इंटरनेशनल पेशेंट के भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके ट्रीटमेंट होता है। और इस हॉस्पिटल के एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप मैं दिखाऊंगा, आप देख भी सकते हैं। इस वेबसाइट में जाने के बाद आप यहाँ पर जो अगर बुक करने के लिए अगर जा रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक हो सकता है। तो उसके लिए वेबसाइट पे जाके आपको मेक एन अपॉइंटमेंट पे जाके क्लिक करके अपॉइंट बुक करना होगा। अब आइए जान लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। मतलब कि यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट है यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। मतलब सर्जरी के लिए डिपार्टमेंट है और मेडिसिन के लिए भी है। यहाँ पर डर्मेटोलॉजी, ENT भी ट्रीटमेंट होता है और नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी, र्यूमेटोलॉजी, स्पीच पैथोलॉजीज और यहाँ पर यूरोलॉजी के लिए भी ट्रीटमेंट होता है। मतलब कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है। पेडियाट्रिक सर्जरी भी यहाँ पर होता है और वास्कुलर सर्जरी भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रीटमेंट होता है। अगर आप जानने के लिए चाह रहे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो एक वेबसाइट के लिंक जा रहा है, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उस लिंक पे जाके आप यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट पे ट्रीटमेंट होता है ये सारे कुछ जान सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं अगर अमृता इंस्टीट्यूट पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, मतलब कि अमृता हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो कहाँ से पहुँचे, कैसे पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर एर्नाकुलम जंक्शन में पहुँचना होगा। एर्नाकुलम से नज़दीक है, 30 मिनट लगता है स्टेशन से के जो बाहर है, वहाँ से प्रीपेड टैक्सी आपको मिल जाएगी। और इसका एड्रेस है कोची, पुणे कड़ा। फ़ोन नंबर 4842851234 और एक है 4846681234। और पेशेंट इंक्वायरी और एक ईमेल आईडी भी है, मेरा वीडियो में भी जा रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा।
ये रहा एक अमृता हॉस्पिटल का ओवरऑल डिटेल्स, कोची का अमृता हॉस्पिटल के डिटेल्स, और भी सारे दिल्ली में भी एक प्रोजेक्ट चालू है और भी कुछ जगह पे प्रोजेक्ट चालू है। और एक बात बोलने के लिए भूल गया था, वो है यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, मतलब कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पर होता है। तो अगर आप चाह रहे हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। एक अच्छा हॉस्पिटल है और सेफ भी है, इसके बहुत सारे अवार्ड भी है पेशेंट सेफ्टी के लिए। तो वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो नया यूज़र है मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता रहता है। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।